हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रूफ इंस्टॉलेशन के बारे में। आखिर कई लोगों का कमेंट आया है, काफ़ी सारे लोगों ने बार बार पूछा है कि सर रूफ इंस्टॉलेशन के बारे में बताओ। तो वैसे टॉपिक भी अच्छा है। अब सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि रूफ इंस्टॉलेशन बहुत सारे तरीके हैं, एक कोई तरीका नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्ते सस्ती और महंगे से महंगी। जैसा आपका बजट हो वैसे आप कराओ। तो मैं इस टॉपिक पे वैसे दो वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसी रूफ इंस्टॉलेशन के बारे में कि इसको कैसे करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बस मतलब इस टॉपिक में दो चीज़ें क्लियर करूंगा, एक सबसे सस्ती और सेकंड सबसे महंगी। इसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी मार्केट में, काफ़ी सारी टाइलें, हीट प्रूफ टाइलें हैं, पेंट भी आता है आजकल, तो ये सब चीज़ें ना कराओ, मेरी तरफ से ना कराओ। आपकी मर्जी हो, आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में सबसे सस्ती चीज़ के बारे में बताऊंगा कि सबसे सस्ते में आप क्या चीज़ करा सकते हो। तो सबसे पहले आप ये वीडियो इमेज देखो। आप इस इमेज में आपको ये मिट्टी दिख रही है, ठीक है। एक्चुअली इस प्रोसेस को पूरा बोला जाता है मटफस, कि आप अपने छत पर मटफस करा लो। मतलब मटफस का मतलब ही हो गया एक तरह से मिट्टी डाल के आप इंसुलेशन अपनी छत की कर रहे हो। सबसे सस्ता प्रोसेस है ये इंसुलेशन का और सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। बस एक दिक्कत आती है थोड़ी सी, वो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में क्या दिक्कत आती है इसमें। अब आते हैं कि आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप कि आपको जिस छत पे कराना हो उस छत को पहले आप अच्छी तरीके से साफ कर लें एकदम, कोई भी कूड़ा कचरा ना हो, कोई भी गंदगी वहां पे ना हो। साफ करने के बाद आपको एक तसल्ली अपने लिए चेक करना है कि आपकी छत जो है लीकेज तो कहीं से नहीं हो रही है, कि आपकी छत में कहीं कोई क्रैक आ गया हो बड़ा, या फिर कोई छेद रह गया जिसकी वजह से पानी नीचे जा सकता है। तो ये आप रीचेक कर ले कि आपकी छत में कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि लीकेज आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप वाटरप्रूफिंग की कोटिंग करा सकते हो। अगर आप नहीं कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप छोड़ सकते हो। थर्ड स्टेप में अगर आपको पॉलीथीन या प्लास्टिक आपको डालनी है छत पे, एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक आती है, जैसी भी प्लास्टिक, कलर से कोई मतलब नहीं। अगर आपकी अपने मन की तसल्ली के लिए कि मिट्टी है, मिट्टी से मॉइस्चर आ सकता थोड़ा बहुत, तो आप प्लास्टिक डाल सकते हो नीचे, पॉलीथीन डाल सकते हो। पॉलीथीन नहीं डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नॉर्मल सीधे आप मिट्टी डालिए छत पे, ठीक। छत पे मिट्टी डालने कितनी लेवल पे है ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 इंच तो डालनी है। अगर 4 इंच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 इंच आप डाल लो। अब कई लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी के साथ एक चीज़ और मिलाते हैं। मिट्टी आपको कौन सी लेनी है ये ध्यान रखिएगा। मिट्टी को ऐसे नहीं कि आप कहीं से मिट्टी जो है ले आए कि, या फिर कहीं से मंगवा ली आपने, ईंटे हैं सब, कुछ गंदगी उसमें मलबे पड़े हैं, कुछ गंदगी उसमें है, ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए। प्योर मिट्टी, बढ़िया मिट्टी हो और वो पीली मिट्टी हो बढ़िया। अब इसमें क्या करना है, मिट्टी में कई सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आपने सुना होगा भूसा, भूसा मीन्स जैसे जो गेहूं के पौधे होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो उनको जो है जो चारा होता है खाने के लिए भैंसों को दिया जाता है, भैंस गायों के लिए, तो वो बहुत सारा कुछ इसमें मिक्स करते हैं मिट्टी के साथ। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली इस मिट्टी को डाल दें, मिलता है तो सबसे अच्छा है, आप मिक्स करके उसको भी डाल सकते हैं। अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप डालिए छत पे 3 इंच का लेवल पे आप डाल के उसको मिट्टी को बढ़िया से दबा दबा के एकदम सेट कर दीजिए। जब आपको लगे मिट्टी हमारी पूरी तरह से सेट हो गई है तो उसमें क्या करेंगे, जो ब्रिक की टाइलें आती हैं, ब्रिक नहीं, ब्रिक तो काफ़ी मोटा होता है 3 इंच का, जो ब्रिक की टाइलें आती है जो करीब लगभग 1 इंच के आसपास की होती हैं, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं टाइलें हैं, इन टाइलों को क्या करना है, मिट्टी के ऊपर दो ब्रिक के बीच में लगभग आप 20 mm का गैप दे दें और पूरी छत पे एक लाइन तार से आप पूरी छत पे बिछा दें ब्रिक की टाइलों को। अब एक आपको मोर्टर का मसाला बनाना है, सीमेंट मोर्टर का मसाला बनाना है। ये मसाला जो है कम से कम आप अच्छे से रेशो रखिएगा, 1:3 का रख लो, 1:4 का रख लो, 1:4 का रेशो बना के इस मोटर को पूरी छत पे फैला देना है और इस जो ब्रिक के बीच में जो गैप होगा उसको पूरी तरीके से भर लेना है। और ये भी यहाँ ध्यान रखना, जब आप ब्रिक रखेंगे तो आपको स्लोप किस तरफ देना है, जो आपका पानी निकलेगा रेन वाटर वाला पाइप किस तरफ है उस तरफ स्लोप देख के आप ये चीज करेंगे। अब जब मसाला आप डाल देंगे ब्रिक के ऊपर, आप बढ़िया से उसको बराबर कर लें। अब लगभग 60-70% लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं। अब इसमें दिक्कत बस ये आती है, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, कुछ होता नहीं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कुछ सीपे जाती है या फिर कुछ दिक्कत खाली होती है जब कोई नया बंदा जिसको नहीं पता होगा ये सब चीज़ें, तो वो आपकी छत को अगर देखता है ना तो कहेगा यार कितनी गंदी छत बना के रखी है आपने इस बंदे ने। लेकिन वो छत गंदे नहीं, एक्चुअली वो छत क्या है, ईंटे हैं सिंपल सी, वो भी
खुली ईंटें हैं, खुली ईंटों पर जब पानी बारिश होगी वैसी धूप पड़ेगी तो काई जमती है, काई शुरुआत में हरी हो गई फिर धूप की वजह से काली हो जाएगी, तो वो काई की वजह से वो पूरा जो है गंदगी जो है पूरी ब्लैक ब्लैक पूरी छत आपको दिखती है। अब आपको अगर जाना हो छत पे, मान लीजिए इनकेस आपको लगे कि यार हम बैठ के कहीं काम कर लें या फिर थोड़ी देर बैठ जाएं, तो आप भी थोड़ी देर सोचोगे यार हम कहाँ बैठे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप बैठोगे भी नहीं, थोड़ा सा बस ये गंदगी होती है, ये खराबी होती है इसमें। तो अगर इस खराबी से बचना है आपको तो इसके ऊपर आप एक काम करो, सिंपल सी 1 इंच की आप अलग से मोटर बना लो, ठीक है, उसको लगाओ पूरी छत पे, उसके ऊपर आप सीमेंट की घोल लगा दो, तो उससे आपकी छत भी फिनिश दिखेगी, नीचे इंसुलेशन भी हो गया पूरा, ब्रेक भी लग गई, इंसुलेशन भी हो गया, हाँ यह थोड़ी सी आपकी जो छत की मोटाई थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा लोड हल्का सा बढ़ जाएगा, लेकिन एक फिनिश छत दिखेगी। अगर ये करना हो तो आप करो, नहीं करना हो तो नॉर्मल अगर दिल्ली NCR के आप हो तो लगभग 60-70% लोगों को ये चीज़ पता है कि मठफस में यहाँ मोस्टली टाइलें आपकी बाहर एक्सपोज होती हैं, अब वो इस तरह दिखती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आपको वाटरप्रूफिंग करना है या नहीं करना है, पॉलीथीन डालनी है या नहीं डालनी है। ब्रिक तो लगाओगे ही, ब्रिक लगाने के बाद आपको अगर फिनिश टच देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है कि आपको कैसा काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो इसमें क्या है, बहुत ही सस्ता, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं बैठती है, मुश्किल से मिट्टी जो आती है आपकी 500-600 फीट जो मिट्टी आती है वो 3 या 3500 रुपये के आसपास, 3000 या 3500 रुपये के आसपास की आती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगती है और बहुत मिट्टी तो सस्ती है, सिंपल सी बात। ज़्यादा आपकी सीमेंट या डस्ट या मोरंग जो आपकी होगी वो भी ज़्यादा नहीं लगती, बस इसमें ब्रिक लगती है। और ये तो पता है दिल्ली NCR में ब्रिक का रेट कम है, अगर आप कंपेयर करें लखनऊ कानपुर के साइड के लोगों से, वहाँ ब्रिक का रेट और यहाँ के ब्रिक के रेट में लगभग 1.5 गुने के अंतर है। जो ब्रिक यहाँ पे दिल्ली NCR में 4 से 5 रुपये की मिलती है, 5 रुपये की, 5.5-6 रुपये की बढ़िया ब्रिक मिलती है, वही ब्रिक अगर लखनऊ कानपुर साइड आप जाते हैं तो जस्ट आपको 8 या 9 रुपये के आसपास मिलती है, और वहाँ टाइलें भी काफ़ी महंगी है लेकिन यहाँ टाइलें सस्ती हैं, ब्रिक टाइलें। तो ये भी थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ा सा होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं टाइल काफ़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन इतना करना तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, चाहे आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।